इस वक्त हम दिल्ली के शाहीन बाग पर मौजूद हैं। यहाँ पे CANRC का विरोध प्रदर्शन तकरीबन ढाई महीने से ज्यादा से चल रहा है और आज दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे धारा 144 लगा दी है। इसके बावजूद आप देखिए विरोध प्रदर्शन की आवाज़ बुलंद हो रही है। यहाँ इकता के लोग भी आए हुए हैं, इंडियन फेडरेशन ट्रेड यूनियन यानी मजदूर संघ के लोग भी यहाँ आए हुए हैं और इनके समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सुबह से ही सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे महिलाएं बैठ गई हैं और विरोध प्रदर्शन में अपनी आवाज़ों को CAA के खिलाफ लगातार बुलंद कर रही हैं। पुलिस ने कहा था कि हम बातचीत करेंगे, उन्हें हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन साफ साफ यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारा मामला अदालत में है, सब जुडिस मैटर है और अदालत तय करेगी कि हमें क्या करना है। अदालत में उसकी सुनवाई 23 मार्च को होनी है। और दूसरी तरफ देखिए बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं और इस समय अमूमन भीड़ कम होती है, लेकिन जैसे ही पता चला लोगों को कि धारा 144 लगी है, बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल के आए हैं और यहाँ पर बैठ गए हैं। और आने की एक वजह यह भी है कि हिंदू सेना के लोगों ने ऐलान किया था कि वो आएंगे और उन्हें हटाने की कोशिश करेंगे, इस वजह से भी लोग आ गए हैं। बहरहाल पुलिस ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों तरफ जो है फोर्स को डिप्लॉय कर दिया है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ CRPF के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सुबह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से धारा 144 लगा दी गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? तो देखिए धारा 144 जो लगाई गई है, जो बाहर से कोई आके हमारे प्रोटेस्ट को शाहीनबाग को ख़राब ना कर सके, इसे धारा 144 लगाई गई है। और हम दिल्ली गवर्नमेंट से और हम दिल्ली पुलिस से यही हमारे तरफ से मैसेज आएगा कि हम यहाँ पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें बाहरी कोई भी आदमी आके यहाँ पर परेशान ना करे आके। जी यानी पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, इसे करने दिया जाए और बाहर का कोई भी आदमी यहाँ आकर परेशान ना करे। और देखिए तस्वीरों में गीत गाए जा रहे हैं यहाँ पे और नारे लगाए जा रहे हैं और स्लोगन्स जो है वो दिए जा रहे हैं कि हम लोग न देश को बेचेंगे, न देश को बेचने देंगे और न देश को बांटने देंगे। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं। दिल्ली पुलिस ने 144 लगाया है आज धारा यहाँ पे और हिंदू सेना ने कहा था कि हटा देंगे आप लोगों को, आप लोगों का प्रदर्शन पीसफुली चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बीच वाला दबा दूंगा। क्या पूछा सर आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि आपका प्रदर्शन पीसफुली चल रहा है, इसके बावजूद भी पुलिस ने धारा 144 लगाई है और लोग कह रहे हैं कि हट जाएं आप लोग। नहीं, हम नहीं हटेंगे जब तक हमारा ये मकसद पूरा नहीं होगा। NRC और CA वापस जब तक नहीं लिया जाएगा, जब तक हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। यानी NRC और CA जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा। और बाहर से भी लोग आ रहे हैं, लगातार इन लोगों को समर्थन मिल रहा है, तमाम तरह के लोग, तमाम तरह के संगठन के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। वो देखिए एक पोस्टर लगा हुआ है वहाँ पे, DTC वर्कर्स यूनिटी सेंटर, यानी DTC वर्कर्स यूनिटी सेंटर के लोगों का भी इन्हें समर्थन मिला है, एक्टू का भी मिला है, खालसा समुदाय का भी मिला है और तमाम तरह के लोगों का यहाँ पे समर्थन मिल रहा है और विरोध की आवाज़ लगातार बुलंद हो रही है। लोगों का कहना है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सरकार इसे वापस नहीं ले लेती। और जो लोग धमकी दे रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि मैटर सब जुडिस है, अदालत में है, अदालत फैसला करेगी इस पूरे मामले पर, लेकिन हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरामैन अश्विन कुमार के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस।